बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि मेरी यूट्यूब फैमिली खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की जो हमारी रेसिपी है वह हम बना रहे हैं बिल्कुल मसालेदार और सिंपल सी, जो है ना, गोभी और मटर की। मटर भी हमने आधा किलो मटर ले ली है और आधा किलो गोभी ले ली है, और साथ में प्याज, टमाटर, सब्ज़ धनिया, अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च को हमने कूट लिया है। तो अभी बनाना शुरू करते हैं आज की रेसिपी। झटपट में तैयार हो जाने वाली रेसिपी। चूल्हे को ऑन कर लिया और कढ़ाई को हमने चढ़ा दिया। अभी डालेंगे इसमें घी। घी हमने डाल दिया। अभी घी को थोड़ी देर जो है ना गर्म होने देते हैं। चलें जनाब, घी गर्म हो गया। अभी प्याज दो जो ना चॉप किए हुए प्याज डाल देते हैं, इनको हम ब्राउन कर लेंगे। दोस्तों प्याज ब्राउन हो चुके हैं हमारे। अभी हम इसमें डाल देंगे टमाटर, दो अदर टमाटर, अभी 1 से 2 मिनट जो है हमने इस तरह जो है प्याज और घी के अंदर इनको फ्राई करना है ताकि ये नरम हो जाएंगे तो और जल्दी गल जाएंगे। चलें जनाब, अभी जो है ना गोभी और के मज़ेदार टेस्ट बनाने के लिए हम इसमें 2 चम्मच जो है ना अदरक और लहसुन को डाल देंगे, क्योंकि और 1 चम्मच जो है ना वो सब्ज़ मिर्च के डाल देंगे कूटी हुई। गोभी का टेस्ट जो है ना सिर्फ आता ही अदरक के साथ है, लेकिन 2 चम्मच हमने अदरक को डाल दिया। 2 चम्मच हमने शाम 2 चम्मच हम शामिल करेंगे अदरक, और 1 चम्मच जो है ना सब्ज़ कूटी हुई मिर्च, और 1 चम्मच जो है हम शामिल कर दिया हमने लहसुन। अभी अच्छी तरह भून लेंगे 1 से 2 मिनट, और उसके बाद बाकी मसाले डालेंगे। अभी शामिल करेंगे सुरख मिर्च, 1.5 चम्मच हम सुरख मिर्च डाल रहे हैं, और 1 चम्मच डालेंगे इसके अंदर नमक। आप टेस्ट अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। ये मसालेदार गोभी बना रहे हैं तो मसालों और आधी चम्मच हल्दी, तो इसके अंदर जरा मसाले ज़्यादा ही शामिल करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे। चलिए जनाब, मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। अभी इसमें शामिल करेंगे हम सब्ज़ मटर। मटर डाल दिए हमने, 1 से 2 मिनट इसको भी पका लेंगे। चलिए जनाब, मसाला बिल्कुल रेडी हो गया। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे गोभी, फूल गोभी, मज़ेदार ये ना जनाब। अभी इसको मिक्स करेंगे मसाले के अंदर। आज की जो हमारी रेसिपी है मसाले वाली गोभी और मटर की, देखिए कितनी प्यारी लुक, खूबसूरत लुक। अभी जो है ना हम थोड़ी देर इसको मिक्स करके 5 से 10 मिनट जो है ना, तकरीबन 10 मिनट जो है ना, 10 मिनट तक के इसके लिए दम पे लगा देंगे हल्की आंच के ऊपर। अच्छा, गोभी के अंदर हम पानी नहीं डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला, बाकी हम गोभी अपना पानी छोड़ेगी। सब्ज़ी है ना, सब्ज़ी अपना पानी छोड़ेगी। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे अदर लीमू, टेस्ट के लिए 1 अदर लीमू डालेंगे, और उसके बाद जो है ना 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको दम पे लगा देंगे। ये लीमू लगा दिया। दस मिनट के लिए अभी दम लगा देते हैं हल्की आंच पे। ये नहीं, अभी गोभी को चेक कर लेते हैं, मसालेदार गोभी को। वाह, बिल्कुल निखड़ी निखड़ी, ब्यूटीफुल, माशाल्लाह, ज़रा ज़रा खिला हुआ। यह ना जनाब, गोभी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। चलें जनाब, इसको करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो, यह ना जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की जो रेसिपी बिल्कुल रेडी हो गई, डिश आउट कर लिया है। अभी इसके अंदर शामिल करेंगे हम गरम मसाला, जिसमें ज़ीरा और काली मिर्च होगी, लेकिन हम 1 चम्मच वो डाल देंगे टेस्ट और जायके के लिए। वाह, क्योंकि गोभी की जो सब्ज़ी है ना, ये मसाले के साथ ही इसका टेस्ट आता है, मसाले के साथ ही। ये नहीं, गरम मसाला और गोभी ज़ीरा हमने डाल दिया। अभी हम इसके करेंगे गार्निश सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्ची और अदरक से। ये जनाब, साथ में हमारे बच्चों ने भी हमारी हेल्प कर दी।
सब्ज़ धनिया उन्होंने डाल दिया, शिमला मिर्ची भी, और ये अदरक हमने डाल दिया, अदरक की काशें डाल दी। ये ना जनाब, उम्मीद है हमारी YouTube फैमिली को हमारी आज की भी वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों अपने फैमिली के साथ शेयर करें। जो दोस्त नए आते हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो भी देखें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर किसी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।